हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर यू स्ट्रगल लाइव ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी देखिए, एकदम सवेरे का टाइम है और मैं बगान तरफ आई हूँ और देखिए इधर कितना गंदा हो चुका है, फिर से वही जंगल जैसा हो गया है। तो मैं इधर आई थी कोपल तोड़ने के लिए। ये मैंने कुछ कोपल के पत्ते और उसकी डंटियाँ तोड़ी हैं। तो अभी हम लोग कोपल की पत्ते की साग बनाऊंगी और इस डंटे की भी वही रेसिपी बना ही दूंगी। तो देखिए, हम लोग इसे काट रहे हैं, इसे ऐसे करके काटा जाता है। ये इसका डंटी में से कुछ वो निकलता है, एक स्किन टाइप का, वो ये देखिए, ये हम लोग निकाल देते हैं। तो अभी ये कोपल का पत्ता है, इसको अच्छे से काट लूँगी। और इसको इतना बहुत सारा मैंने तोड़ लिया है, लेकिन ये जब मैं बनाऊँगी तो बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे, देखने से ही लग रहे इतने सारे। और देखिए कैसे हाथ एकदम काला काला हो गया, इतना ज़्यादा आयरन है इसमें। हम लोग काट रहे हैं, पूरा ऐसे दाग हो गया है ब्लैक कलर का, पूरा तलवा में ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो मैं आज ये दो रेसिपी बनाऊंगी। तो देखिए अब और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और आज बैगन के भरता बनाऊंगी। तो वो गोल वाला बैगन तो मुझे अभी नहीं मिला, मुझे ये लंबा वाला बैगन मुझे मिला था, तो मैं थोड़ा इसी की भरता बना लूँगी। तो और देखिए इधर वो कोपल की साग बनाऊंगी, तो ये मैंने इसका फ़ोरन लगा दिया है, ये प्याज लहसुन और मिर्च का है। और ये साग, मैं कोपल का जो साग है इसे दे के ये मैं तैयार करूँगी। और तब तक मैं इधर वो जो कोपल की डंटी थी उसको भी मैं बॉयल कर लूँगी। ये मैंने कोपल की डंटी को बॉयल कर लिया है, तो देखिए कितना सा हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। अभी मैं इसको बनाऊंगी फ़ोरन लगा के, तो ये और भी कम हो जाएगा। और इधर साग बन रहा है मेरा। नमक मैंने बाद में ही दिया है। देखिए इतना सा हो गया साग, कितना सारा मैंने काटा था। और ये देखिए, ये कोपल की डंटी की जो रेसिपी मैंने बनाई है, अभी थोड़े से हो गए हैं। और ये बैगन का भरता, और आज सरसों से फिश बनाया है, तो आज का मेन्यू यही है। और यहाँ मैं थोड़े से आटे गूंद लूँगी, क्योंकि हनी को चावल खाना पसंद नहीं है, वो तीन टाइम ही रोटी ही खाती है। तो मैं यहाँ चावल गूंथ लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ घर की सफाई करने। तो हम लोग सफाई कर रहे हैं, ये घर देखिए मैंने पूरा धो दिया है, ये रूम भी पूरा गंदा हो गया था। बिल्ली थी तो उसको जाने के बाद, बिल्ली को तो मैंने हटा दिया है अभी, वो बड़ी भी हो गई है थोड़ी, तो उसके जाने के बाद पूरा घर साफ़ किया मैंने। सारा घर उथल पुथल है, इधर उधर कपड़े हैं, कपड़े सारा मैंने धो लिए हैं। और ये बरंदा भी पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, ये कपड़े देखिए पूरा बेड पे ही रखा है। तो आज सफाई का भी काम है, तो हनी भी बहुत हेल्प कर देती है मेरा। तो ये सारे कपड़े अभी हनी कबर्ड में रखेगी,
मेरे कबर्ड में भी जितने कपड़े हैं सब जैसे तैसे ही रखे हुए। ये मैंने साफ़ किया, देखिए एकदम धूल नहीं है, बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने। और ये देखिए कबर्ड का सारा कपड़ा भी जैसा तैसा है। अभी मैं इसे निकाल दूँगी तो हनी को मैंने बोला है अच्छी तरह से पूरा कबर्ड में तह करके सारे कपड़े रख देगी। तो आज तो दिन भर सफाई में भी बीत गया और खाना भी बनाया, सबने मिलकर ही किया है, बहुत सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी शाम हो चुके हैं, लंच के लिए बहुत लेट चुका है, तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।